मुंबई स्थित जोगेश्वरी पक्षी में मामला सामने आया, जहां शास्त्री नगर की जनता ने अपना दर्द व्यक्त किया है। रही वासियों का कहना है कि 30 साल पहले से गणपति जी की जगह को कुछ लोगों ने अपना ट्रस्ट का बताकर उसका सर्वे करवाना चाहते हैं, जबकि ये जगह उनकी नहीं है। रहीम वाले, हाँ वही बोलो, रहीम वाले ठीक है, हाँ रहीम वाले का कीजिए आप, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कोई विरोध नहीं, कोर्ट में ठीक है, आप जाइए, लेकिन यहाँ पे आप करेंगे ये नायब तहसीलदार मैडम शिंदे मैडम, इन्होंने हमसे पहले नंबर के लंबा के मैडम ने बोला कि नंबर डलवा लो, नंबर के बाद इन्होंने बोला, अब नंबर डालने के बाद आप क्लोज करना, पंचनामा कराया, अब बोल रहे कि नहीं आप तो बायोमेट्रिक करेंगे, आप इधर आइए, ये बोले कि हमने स्टिकर चिपकाया है, जब इनके साथ फोटो देखा गया तो वहाँ पे बिल्डर का आदमी खड़ा था, उसके साथ फोटो खिंचा है, मेरा भी फोटो है, लेकिन आपके साथ बिल्डर का आदमी खड़ा है ना, हमको मालूम नहीं, आपने फोटो फोटो भी इनके मोबाइल पर दिखाया है, आप फोटो इनके पास दिखा रहे, शिवशंकर सोसाइटी, शिवशंकर सोसाइटी, शिवशंकर सोसाइटी, जो कि हमारे पास इनका प्रपोजल ये है कि हमें यहाँ से भगा दो, यहाँ से हटा दो, लेके दे रहे और हम सब यहाँ से चले जाए, लास्ट 3 जनरेशन से हम यहाँ रह रहे, हमारे बच्चे आ गए, हमारे पिता, हमारे दादा यहाँ रहे, ये कल नए आए सब लोग, ये आके बता चिपका के हम देख लेंगे, आपका नाम बता दो भाई, आप जोर थोड़ा संग पार्टी कौन है, थोड़ा हम ये बोलेंगे, थोड़ा रिक्वेस्ट करो, हमको सपोर्ट करो, और पंचनामे में भी 2 साइन इन्होंने बोगस लास्ट में करवाया चोरी से, उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्शन उसको काटा गया, विरोध नहीं करते, लेकिन जिस हिसाब से बिल्डर डेवलपर अपने हिसाब से अपनी सोसाइटी और सब कुछ अपने हिसाब से करना चाह रहा है वो गलत है। मैं निश्चित और हमारी समस्या को ध्यान दे, हम मुंबई जोगेश्वरी 400102 में रहते हैं, मुंबई जैसे शहर में हमारी परिस्थिति क्या है यहाँ पे वो बताते हैं हमको, ये हमारा 1980 से 12+6 का टॉयलेट था, 12+6 का, आज आप खुद देख सकते हैं बच्चा 6 से 12 गायब हो गया है, कब गायब हुआ 2020-21 में, टॉयलेट हमारा डेमोलिश हो गया, लीगल एक्शन में चलते बीएमसी कुछ अधिकारी मिलके बिल्डर से बात करके इसको डेमोलिश कर दिए, ताकि हम पूरा एरिया खाली करके यहाँ से चले जाए, हम सब ने डिसाइड किया, मिल के लड़े, डिंडोसी कोर्ट में केस फाइल किए बीएमसी के थ्रू, धर्मेश व्यास एडवोकेट थे हम, अक्टूबर में जजमेंट लाए कि ये अक्टूबर में जजमेंट लाए, कोर्ट ने ग्रांट किया बाथरूम रास्ता पानी कोई किसी नहीं रुक सकता, और हमारा तो 1960 से 80 में तो वहाँ पे था अवेलेबल, और वो तोड़ दिया गया, अब हमारा वो बिल्डर ने फिर वहाँ से क्या किया, लेके गया पिटीशन डाल दिया हाई कोर्ट में, अभी चले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में 9 बार हियरिंग हुई है सिंगल बेंच के जज पे, अभी करंट में जज साहब का नाम नहीं मालूम है, इससे पहले AS गडकरी जी थे, फिर उसके बाद शिंदे जी थे, फिर एक जन और आए, अब एक नए जज आए चौहान साहब है, जज साहब ने अभी तक जजमेंट नहीं, 29 को फाइनल जजमेंट के लिए डिस्कशन है, हमारी तरफ से जो एडवोकेट है गिरीश गोड़ बोले जी वो अभी वहाँ पे प्रोसेस में चालू है। MLA MP जी, MLA MP को भी अपडेट किया गया, MLA हमारी भारती ताई लवेकर जी के, उन्हीं के फंड से बाथरूम हो रहा था, हमारे नगर रंजना पाटिल हमारी नगर सेविका है, MLA भारती ताई लवेकर जी उनके पास भी गए, हमारे कार्य नेता है संजय निरुपम जी वो यहाँ पे स्वयं आए, आके बोले भी भाई बिल्डिंग बना बना लेकिन बाथरूम तो बनने दो लोगों का, भगाने का तरीका है सबको मालूम है, SRA बनाने के लिए पहले बाथरूम तोड़ भाग जाए लोग, ठीक है करेंगे बाद में, लेकिन पहले बाथरूम तो बनने थे, फिर कुछ बात नहीं बनी, और आप चाहिए तो यही फीडबैक सभी से लेते, सबका समस्या सुबह आने पे तोड़ा गया है, ये जबकि कोविड का सिचुएशन था, कोविड के सिचुएशन में आप समझ रहे हो ऐसी बड़ी महामारी से लोग गुजर रहे थे, वो टाइम पे ये टॉयलेट को डिमोलिश करके पब्लिक को हैरान करने की कोशिश की गई है, बकायदा परमिशन पे ये टॉयलेट बना गया, ये आज से नहीं, ये मेरे दादा परदादा के जमाने से ये टॉयलेट बना हुआ है, ये पब्लिक यूज़ के लिए दिया गया था, पब्लिक यूज़ के लिए बना गया चीज़,
वो अपनी ज़रूरत के लिए तोड़ के मिसयूज़ करना और पब्लिक को हैरान करना और लोगों को आके ये बताना गवर्नमेंट ऑफिसर को कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, इसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। बाथरूम बनल्यानंतर पुढचा विचार करायचा। मागणी नाही, हे किती दिवसापासून पडलेलं आहे, बनवून देते तर पहिले संडास आम्हाला पाहिजे। पहिला संडास बनवा, त्याच्यानंतर आपण बघू काय करायचं ते। उधर रस्ता बंद हो गया है, पूरा रस्ता इधर अभी तुम लोग बिल्डिंग बोलते है, तो पब्लिक जाए तो कहाँ जाए। अभी समझो तुम्हारा भी परिवार है, परिवार तुमचा तर घरात असणारच ना, मग तुमच्या परिवाराला जर काय तकलीफ झाली तर तुम्हीच बघणार ना, दुसरं कोण नाही बघणार ना। माझं इथं कोणच नाही, माझा मुलगा आहे तो शाळेत वाचतो। हे पहिलं बाथरूमचं पहिलं काम करा, नंतर पुढचा विचार करू आपण। त्या लोकांनी सगळं बंद करून टाकलं तर जायला येणार का, कुठून जाणार, कुठून नाही जाणार? आमच्यासारखी माणसं कुठून जाणार? तुमच्यासारखी पळत जाणार, पण आम्ही कुठून जाणार? ये जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारा शास्त्री नगर सार्वजनिक गणेश एवं नवरात्र उत्सव मंडल है। ये 1978 से छोटे से ठेले पे यहाँ के कुछ पुराने रहवासियों ने गणपति बप्पा के स्वागत के लिए, आगमन के लिए मुंबई शहर में, जैसे आप जानते हो गणपति कितना महत्व है, उसके लिए मंडप हमने बनाया था, मतलब हमारे पूर्वजों ने बनाया था। ये तब से मंडप आज तक इसी तरह स्टेबल है। मंडप का अभी मूल समस्या ऐसा है कि कुछ तत्व यहाँ पे प्लान कर रहे कि मंडप को कन्वर्ट कर दिया जाए। असामाजिक 1996 में रजिस्ट्रेशन हुआ है मंडप का, जो हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी खजिंदर सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ पे बैठे हैं, नागेंद्र अध्यक्ष रामलखन यादव है, और हमारे सेक्रेटरी नागेंद्र सिंह है, और खजिंदार है संपत मराठे। ये तीनों हमारे मंडल के हैं, जो कि हमारे 20 से 25 साल जब से हमारा मंडप है तब से ये हम लोग का पूरा हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे नवरात्रि गणपति दोनों ये हैंडल किया जा रहा है। समस्या ये है कि अभी आज सर्वे है, कुछ असामाजिक तत्व दूसरी जगह का पेपर ला के यहाँ पे बोलते हैं हम इसके ट्रस्ट है। अरे आइए ट्रस्ट है, पूर्वा दिखाइए, हमारे पास तो 20 साल का फोटो है, आपके पास क्या है? और वो जो सर्वे किए हैं उसमें भी हम लोग उसमें इंक्वायरी बैठाएंगे समय आने पे, कि अभी हमारे साथ में तो पब्लिक जुड़ रही है, हम पब्लिक की ताकत उनको बताएंगे कि असामाजिक तत्व क्या होता है, तो उनको पब्लिक की ताकत से हराया जाएगा। कि हमें आप लोग के माध्यम से ये मंडप स्टेबल रहे, ये आप देखो पूरे मुंबई में स्पेस कहीं मिलता है झोपड़पट्टियों में? इतना ओपन स्पेस पड़ा है, मतलब खेल कूद में कोई तो निकले। इस निकलने के लिए मंडप के साथ ये स्पेस यहाँ पर रहना ही चाहिए, कोई भी भविष्य में आए। मेरा नाम नागेंद्र सिंह है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ इस मंडप का। ये इसकी स्थापना हम लोगों ने 1980 में की थी, तब से लेकर के आज तक लगभग 43 साल हो गए, 40 साल से मैं सेक्रेटरी हूँ और आप लखन 40 साल से अध्यक्ष हैं। और हम लोग जो हैं संपत मराठे खजिंदार, नहीं संपत मराठे तो खजिंदार है, इसके पहले नाना भाई थे यहाँ पे, नाना कुमार जो इस दुनिया में रहिए, उनकी आत्मा यहाँ भी होगी, वो ये सोचती होगी कि मैंने जो बनाया था वो सुरक्षित है। ये उनकी आत्मा की शांति के लिए हम चाहते हैं कि जैसा है ये वैसा ही रहे, और हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो संपत मराठे, नाना भाई और कालिका शर्मा, पारस सिंह, तुलसी यादव जो फाउंडर थे इसके, उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी मेरी दिली इच्छा है। आज वो नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, संपत मराठे के बड़े भाई थे वो नहीं है, विजय यादव थे वो नहीं है, रामचंद्र शर्मा जी थे वो नहीं है। उनकी आत्मा के शांति के लिए मैं चाहता हूँ कि ये सुरक्षित रहे और सुरक्षित हाथों में रहे, और आने वाले जो बच्चे हैं वो इसको गणपति उत्सव, दुर्गा उत्सव एकदम प्यार मोहब्बत से मनाएं।